हेलो भाई। हेलो गाइस। उसने दोबारा धोखा दे दिया। बोला है जिसे भाव देना वो अभी लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। यू नो मैं ना अब मैं थक गई हूँ, मतलब ट्रैक रख रख के कि तू कितनी लड़कियों के पीछे भागता है। खुशी और आदर्श नगर वाली वो। तो मैं अभी भी सिंगल हूँ यार, सेटिंग बेकार है भैया, टूट गया मैं तो। पैदल निकल रही है आप कॉलेज के लिए? सोचा निकल जाए हम पैदल ही भागते हुए। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश और आज डेट है, डेट क्या है धीरेन, डेट 11 मई 2023 एंड अभी हम हैदराबाद की गलियों में। और जो हमारी स्कूटी थी यश का, उसने दोबारा धोखा दे दिया, उसका टायर खराब हो गया, मोटर गर्म होना, मान लो क्या क्या सीन हो गया बस। और हमारी बस भी छूटी, बस हमारे सामने खड़ी हुई थी, जब तक हमने स्कूटी खड़ी की बस निकल गई। अब बस ढूंढ रहे हम लोग, अगर देख रहे कोई लिफ्ट वगैरह दे दे, अगर इनसे पूछे क्या ट्रैक्टर वाले भैया से। चलो कॉलेज में चल के बताते हैं कहानी आज क्या हुआ। ट्रैक्टर पे बैठ के जाएंगे तो हमारा वो सुझाव। अरे मजा आएगा आज तेरी और किस्मत भाई, किस्मत इतनी गंदी आदि थी भी नहीं। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश और आज डेट है 11th of May 2023। मेरे साथ है धीरेन्द्र और अभी हम लोग वेट कर रहे हैदराबाद के चौक पे बस का, क्योंकि जो हमारी स्कूटी थी ना उसमें मान लो क्या क्या, आज का दिन इतना मेरा खराब गया था कि देयर इज अ गर्ल, अब नाम नहीं बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे, बस वो डेली मेरी पिछले 3-4 दिन से स्टोरी लाइक करी थी, मेरे दिन अच्छे जा रहे थे। आज सुबह सुबह उसने स्टोरी लाइक ही नहीं की, घर पे मेरा दूध जल गया, आते समय मेरी स्कूटी खराब हो गई। स्कूटी खड़ी करके आया तो बस हमारी सामने स्टॉप पे लगी हुई थी, बस भी चली गई, जहाँ हमने स्कूटी खड़ी करके इधर बस भी चली गई। अब बस का वेट करा, ऊपर से एग्जाम है धीरेन का, मेरा तो 11:30 बजे इनका साढ़े, नहीं इससे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। A few moments later. मैं लास्ट वाला डायग्राम किया था, मैं वो भी तैयार भूल गया। कोई नहीं होता दोस्त। अब मैं भी सोच रहा मैं क्या लिख गया। खुद यही सोचा, मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं कुछ। ना मैंने तो पूरा कल पूरा दिन पढ़ा, फिर भी मैं सोच रहा मैं लिख के क्या हूँ। कोई नहीं, वीके सर के लिए लिख के आ रहा जो भी मन में। ये खाली है बैठने के लिए। क्या क्या क्या, अच्छा रुक जा पढ़ लियो। तो कॉलेज पहुंच चुके, बाकी मैंने शायद एक और चीज बताना था, मैं भूल गया क्या बताना था भाई। हाँ टाइम कितना बचा है तुम्हारा? 5 मिनट बचा हुआ शायद, ट्रेन का एग्जाम है 107 में, वो जाके एग्जाम देगा, फिर उसके बाद मिलते हैं शायद और देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। बाय। और आते समय मैं मिल के माधो सर, कैसा सर? अरे इधर देख भाई क्या चल रहा है, पढ़ा कितना? बोल दे पूरा नहीं पढ़ा। एनवायरमेंट अब पढ़ेंगे, मैं खुद भी वही पढ़ने जा रहा था। आज चल रहे लाइब्रेरी में ही जा रहा सेंट्रल वाले। क्यों बंद पड़ा है? वो दिख रहा है ताला लगा हुआ सामने से। आ जा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी जाने से पहले हमारे साथ ये लोग आ गए। फोन ले लिया क्या? हाँ बोल। नहीं उधारी है धीरेन का। हाँ सर। हाँ बोल भाई। हाँ अभी अच्छा चलो बोल। हेलो गाइस, पिछली क्लिप मैंने बनाई थी वो डिलीट कर दी वहाँ से, तो दोबारा बता रहा हूँ कि अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी में जय लोग बैठे हैं और वो हमें थोड़ा पढ़ा भी देंगे, प्लस साथ चुप रहो ना भाई। हाँ तो वो लोग थोड़ा पढ़ा भी देंगे और अकेले मैं कितनी कॉमेडी करूँगा, तो मैंने सब की बोलो थोड़ी कॉमेडी भी कर ले। हमारे साथ फारिक सर भी आ चुके। फारिक सर हाय बोलो। अरे इधर हाय बोलो। से हाय गाइज, बोल हाय। पढ़ाई कितना किया तूने? पूरा पढ़ लिया होगा। इधर भाव देना होता कैमरे को। यस हाँ कॉमेडी कीजिए अब। अच्छा एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा आपका भाव लेके? जिसे भाव देना वो अभी लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, यू नो पर क्या ही कर सकते, छोड़ो। तो मैं ना अब मैं थक गई हूँ, मतलब ट्रैक रख रख के कि तू कितनी लड़कियों के पीछे भागता है। खुशी और कौन सी थी आदर्श नगर वाली वो? हाँ और नहीं बात नाइस। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा हमारा एडमिशन ब्लॉक होगा, अभी मालूम पड़ा कंप्यूटिंग ब्लॉक में हमारा होता है, तो CB 1010 में है हमारा। हाँ इस बार सेशनल नहीं दिया था मैंने, इसीलिए मुझे नहीं आता शायद। हाय सर, व्हाट इज अप हमारे साथ? तो मसले ब्लॉग में मैं तो गुस्सा हूं भाई तेरे से। संतोष की बर्थडे का एक ब्लॉग बना हुआ था, सब्सक्राइब कर दिया मैंने जरा, वो मेरे पास पड़ा हुआ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं कब एडिट करके। आया मैं कैसे हूं? मैं अभी भी सिंगल हूं यार, सेटिंग यार। मेरी बहन गाइस, मेरी बहन की शादी होगी, मेरी मां भी हो चाहिए शादी, सेटिंग कर लो। हां दोनों बहनों की शादी होगी, बस यही बेचारा बच्चा, बहू की जरूरत है ना। इसकी मम्मी जो है ना वो घर पे अकेले काम नहीं कर पा रही, तो सीनियर कंपनी
बाकी फोटो स्मार्ट तो लग रहा था, फोटोज अटैच कर दूंगा शादी के, देख लेना। और जिसे डिस्क्रिप्शन में आईडी मेंशन होगी, जाके फॉलो करो संतोष को जिसे करना हो। बाय। अब जा रहा मैं पढ़ने लिखने, थोड़ा मतलब एग्जाम से होगा। अरे कोई नहीं, सब ये हमारी क्लास, कहीं भी जहाँ पे हमारा सीट होगा वहाँ बैठेंगे, फिर मिलते एग्जाम के बाद। बाय। अरे चुप रहना भाई, वो देखने गया था मैं, क्या बोलते सीटिंग प्लान मेरा सबसे आगे बैठा रखा है। हम दोनों का एकदम अपोजिट पे, या तो ये सबसे आगे बैठेंगे या मैं सबसे आगे बैठूंगी, ये बैठ जाना सही। कह रहा, वैसे मुझे पूछना किसी से नहीं होता, जितना करते खुद से करते, अदरवाइज मैंने कभी नहीं बताया किसी को गलत। मालूम नहीं, मैंने तो जो भी बताया अभी तक सबको सही बताया। सबका टेंशन मेरी तरफ आ गया। पहली बार डांट पड़ी मेरे को ईवीएस में, मैम से कल पड़ी थी। गुड मॉर्निंग सर, ये से जा रहे बस वही। One eternity later. एग्जाम्स वगैरह खत्म हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा लगा। अभी दूसरा एग्जाम है डीवीएमएस का, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बिना पढ़े निकल गया। मिलते जल्द भाई। तो अभी हम कॉलेज में हैं, मस्त आ रहा भाई। और ऊपर करो। तो अभी हम क्योंकि एनवायरमेंट का था वो, इसलिए कौन ही पढ़ता है, तो बिना पढ़े पास होने का घमंड है क्योंकि आज ये सीन मस्त है वैसे, मुझे मिलना था किसी से। अच्छा, पिछले दो घंटों से हम पढ़ने को कोशिश कर रहे हैं और ये पढ़ने नहीं दे रहे, ये अनमोल। And there is just one of Mishra. And we'll jump into this. The guys are preparing here and soon we'll go for our second paper. That is of DBMS. And just best of luck. पागल आदमी है, फालतू में इंग्लिश बोलने को कोशिश करता है। मातृभाषा अपनाओ दोस्त, इंप्रूवमेंट कर, समझ रहे, मातृभाषा मालूम है तब बोलना अच्छा लगता ना, व्हेन यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। जब तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने आता हो और प्राउडली फिर तुम हिंदी बोलो ना, तो उसकी बात अलग होती है। पर अगर तुम अभी हिंदी बोलोगे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना, तो वो बहुत बेइज्जती की बात होती है, ऐसा लोग मानते हैं। लोगों की अगर सोच चेंज करनी है ना, तुम इतने काबिल बनोगे तुम इंग्लिश बोल सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी तुम हिंदी बोलो। यार हमें इंग्लिश नहीं आती, ट्रांजैक्शन क्या होगा, क्या है ट्रांजैक्शन, इज बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइल। अब जैसे असली ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें ये बताते हैं दो तरीके के ट्रांजैक्शन भी होते, ट्रांजैक्शंस होते हैं। अच्छा, एक तो होता है क्या, लीनियर होता है, क्या होता है यार, लीनियर और पैरेलल दो तरीके के होते हैं। ओके, तो बेकार है भैया, टूट गया मैं तो। पहला एग्जाम इतना सही गया पर दूसरे में तो हालत खराब हो गई ऑलमोस्ट, ऐसे समझ लो। अच्छा लगता होगा ना, क्या नदी में बहते चले जाओ, पंखे से लटकने से कैसा लगता होगा, कितना हल्का फील होता। हाँ, तो ये बोला था दिन शायद क्यों हिला डाला ना। तो द थिंग इज दैट पहला पेपर तो अच्छा गया पर दूसरा पेपर रेस्ट इन पीस हो गया। अब इसके बाद जाना है, अरे चुप रे, इतनी तेज ना बोल दोस्त। हाँ, तो अभी इसके बाद हमें जाना है स्कूटी बनवाने के लिए, क्योंकि वो भाद्रवाद में रखा हुआ, अभी स्कूटी बनेगा कैसे कहाँ होगा ये भी नहीं पता। पर मेरे पास फोन नहीं रहेगा इसलिए मैं दिखा, मतलब मेरे पास जो फोन रहेगा उसमें गंदी क्वालिटी, तो मैं सिर्फ यूज़ ही नहीं करता। ये उधारी का फोन है दोस्त का ना, तो उसे यूज़ कर रहे हैं। तो आई लेट यू नो दैट व्हाट विल हैपन विद दैट स्कूटी। एंड ये बोल रहे थे ना कि फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद करते ब्लॉग पसंद आओ तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, और पढ़ाई लिखाई तुम भी कर लेना, मैं भी अब से जाके पक्का पढ़ूंगा डीवीएमएस। एक्चुअली मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं सही से, मान लिखी मन ही नहीं कर रहा था, ऑटोमेटा वगैरह और जो आर्किटेक्चर वगैरह जितने हैं वो ऑटोमेटा वगैरह सारे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ऑल वो सारे हो जाएंगे बहुत सिंपल डाल दूंगा तो ही पेला जाएगा फिर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, उम्मीद करते ब्लॉग पसंद आ तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई कॉलेज के बारे में अगर देखने आओ ना जूनियर वगैरह जो एडमिशन लेते हैं सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाय। अब उल्टे साइड से करता कि धूप चेहरे पे। अरे मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, तू है निगाह, ठीक है यू निगाह। तो अभी ये बताएगा कि कैसा रहा एग्जाम आज का और कल शाम वाला। मेरा तो बड़ा बेकार था। एक समय था जब हम लोग पढ़ लिख के पेपर दिया करते थे, अब तो भाई क्या ही हुआ, इतना बेशरम हो गया उन्होंने। पहले मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, उसके बाद रात रात भर के, मतलब रात में पढ़ के थोड़ा बहुत निकल जाता था, मैंने वो भी पढ़ना छोड़ दिया।
और सॉरी पर आवाज़ आ रही कोई नहीं, सही में बहुत खराबी पेपर जा रहे हैं मेरे तो पहला दूसरे पहला और तीसरा पेपर बस गेस्ट होगा, उसके बाद क्या ही किया हमने कुछ नहीं पता। अभी रात तेरा कैसा है भाई बताओ? कल वाला तो बड़ा ही बेकार, आज तो ठीक भी गए। आज का मेरा पहला सही गया, दूसरे पेपर आ गया तो मैंने पेपर रखे, अपना डर खत्म हो गया। फर्स्ट ईयर में था कि पढ़ेंगे नहीं तो हो जाए, अब तो बैग खा पे। पर जब सोचोगे ना कि घर वाले कैसे पैसे कमा करके फीस भर रहे ना, तो फिर दोबारा मन कर जाता है। वाओ डायलॉग, अब ये बोल दिया मैं खुद भी इमोशनल होने लगा। तब जाके पढ़ रहा हूँ, मतलब अब से पढ़ूँगा उसका फिर, क्योंकि अगले महीने सेमेस्टर एग्जाम से। टिल दैट एंजॉय योर लाइफ एंड डू सब्सक्राइब टू लाइक, जैसे जैसे चमक रहा है, जैसे जैसे अभी ये चमक रहा है ना, वैसे नीचे सब्सक्राइब का बटन चमक रहा है। अरे गजब निकाल रहा है क्या जोक्स यार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई जूनियर कॉलेज की रिव्यू के लिए देख रहा हो ना तो वो भी सब्सक्राइब कर देना। दस साल पर वहाँ से भी कॉलेज की लड़की आई क्या ऐसी आए कि चलो बाय देखते हैं। बंदे की एक्टिंग कर रहा था जहर खा के। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।